व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर आरती, एक नेचुरल हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केयरिंग ऑनलाइन। आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूं जो आप जब अपने फेस पर यूज़ करते हैं तो बिल्कुल वैसा ग्लो आपकी स्किन पर आता है, वैसी चमक आपके चेहरे पर आती है, वैसे इफेक्ट आपके चेहरे पर देखते हैं जैसे आप अभी अभी किसी सैलून से फेशियल लेकर आए हुए हों। और इस रेमेडी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत आसान है, घर में ही सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल होती हैं, कोई भी स्पेशल चीज़ आपको जुटाने की ज़रूरत नहीं है, करने में आसान है और सिर्फ आपको अपना आधा घंटा इसको देना है और फिर तैयार हो जाना है चेहरे पर एक फेशियल जैसी चमक देखने के लिए। तो चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स है, और इसके इंग्रेडिएंट में सबसे पहले शामिल है मसूर की दाल। मसूर की दाल के बहुत अच्छे एंटी एजिंग इफेक्ट होते हैं, बहुत अच्छे स्किन टाइटनिंग इफेक्ट होते हैं, लूज स्किन को टाइट करती है, पोर्स अगर आपके खुले हुए हैं तो उनको बंद करती है, स्किन को टाइट कर उनकी विजिबिलिटी को स्मॉल करती है, यानी कि अगर बड़े पोर्स हैं तो उनको छोटा दिखाती है, बहुत अच्छा ग्लो आपकी स्किन में ऐड करती है, दाग धब्बे अगर हैं आपकी स्किन पर तो उनको निकालती है और देती है आपको साफ सुंदर डी स्किन। तो पहला इंग्रेडिएंट यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मसूर की दाल। अगला जो इंग्रेडिएंट है, ये पहली बार मैं अपनी किसी रेमेडी में यूज़ कर रही हूँ, और ये है ड्राई मिल्क पाउडर, या इसे खुश्क दूध के नाम से भी जाना जाता है। ड्राई मिल्क फुल ऑफ लैक्टिक एसिड होता है, यानी कि स्किन वाइटनिंग इफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि जिस तरह से ये सफ़ेद इसका रंग है उसी तरह से जब आप इसको अपने चेहरे पर यूज़ करते हैं तो ये दूध की तरह ही आपकी स्किन को बना देता है, यानी कि आपकी स्किन को क्लीन बहुत अच्छी तरह से करता है, क्लियर बहुत अच्छे से करता है, दाग धब्बों को हटाता है, स्किन टाइटनिंग इफेक्ट इसके बहुत अच्छे होते हैं और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी नेचुरल ग्लो आपकी स्किन में ऐड करता है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ड्राई मिल्क पाउडर। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है ऑरेंज पल्प कम जूस, मैं इसको बोलूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा पल्प भी एडेड है और इसमें जूस तो है ही। इसके लिए आपको क्या करना है, जो ऑरेंज के पीसेस होते हैं इस तरह के, इनको आपको ब्लेंड नहीं करना है, इनको आप हाथ से निचोड़िए, अपनी उंगलियों से निचोड़िए, और निचोड़ने के बाद थोड़ा सा उंगलियों से ही मैश करने की कोशिश कीजिए, और जितना मैश हो जाए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। ये इसमें थोड़े बहुत फाइबर भी ऑरेंज के हैं और जूस भी है। तो मैश करने के बाद जो इसके बीज होते हैं वो आप ऊपर से निकाल लें, और थोड़े बहुत जो इसके छिलका जैसा आपको मिलता है वो आप निकाल कर फेंक दें, और ये फाइबर समेत आपको ऑरेंज का जूस मिल जाएगा। ऑरेंज का जूस फुल ऑफ विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, स्किन वाइटनिंग इफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, ऑरेंज जूस के स्किन पर बहुत अच्छी ग्लो ऐड करता है, स्किन टाइटनिंग इफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, एक रेडिएंट स्किन जो होती है वो आपको इसके यूज़ करने से मिलती है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ऑरेंज जूस। अगला इंग्रेडिएंट है एप्पल पेस्ट। यहाँ पर भी मैंने एप्पल को अपने हाथ से मैश किया है, एक अच्छा पका हुआ एप्पल था। अगर आपका एप्पल अच्छा पका हुआ है तो उसको आप इजीली हाथ से मैश कर सकते हैं, लेकिन अगर कच्चे एप्पल हैं तो उसको आप ब्लेंडर में लेकर हल्का सा ब्लेंड करें, बहुत ज़्यादा एकदम बारीक पेस्ट आपको नहीं बनाना। यहाँ पर मैंने हाथ से ब्लेंड इसको किया है, और हाथ से ब्लेंड करने के बाद ही मुझे थोड़ा दरदरा काइंड ऑफ पेस्ट मिला है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। तो यहाँ पर एप्पल का भी जो पेस्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा उसको दरदरा रखना है, थोड़े से कुछ एप्पल के पीसेस आपको इस पेस्ट में रखने हैं। एप्पल भी फुल ऑफ विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, कई सारे मिनरल्स और कई सारे और विटामिन्स इसमें पाए जाते हैं जो कि स्किन पर बहुत अच्छी ग्लो ऐड करते हैं, आपको स्किन को अंदर से हेल्दी बनाते हैं, स्किन के दाग धब्बों को हटाने में एप्पल बहुत अच्छा माना जाता है, स्किन टाइटनिंग इफेक्ट भी एप्पल के बहुत अच्छे होते हैं। तो ओवरऑल ये बनाता है आपकी स्किन को साफ सुंदर, स्पॉटलेस और ड्यूई। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एप्पल पल्प। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है चिरौंजी का पाउडर। चिरौंजी मैं पहले भी कई रेमेडीज़ में यूज़ कर चुकी हूँ, ये फुल ऑफ विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और कई सारे मिनरल्स इसमें होते हैं। ओवरऑल ये आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करती है, नरिश करती है, अगर स्किन में ड्राइनेस है तो स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करती है, एंटी एजिंग इफेक्ट इसके बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि रिंकल्स अगर आपके चेहरे पर हैं, फाइन लाइंस अगर आपके चेहरे पर हैं तो उनको हटाने में बहुत अच्छे इफेक्ट इस पाउडर के आते हैं। चिरौंजी दिखने में इस तरह की दिखती है, ये मार्केट में ग्रॉसरी स्टोर्स पर इजीली अवेलेबल होती है, आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं, और इनको मैंने पीस कर ये इसको पाउडर फॉर्म में यहाँ लाया हुआ है। तो ये जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है चिरौंजी का पाउडर। अब मैं अपनी रेमेडी बनाना शुरू करती हूँ, और इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें मिलाऊंगी मसूर दाल का पाउडर, जो कि मुझे लगभग लगभग एक चम्मच लेना है।
ये जो मैं पैक बना रही हूँ, इस पैक को आप गर्दन पर भी यूज़ कर सकते हैं, अपने हाथों पर भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है ड्राई मिल्क पाउडर, लगभग एक चम्मच मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है, जो कि पूरा मैं इस रेमेडी में डाल दूंगी। इसके बाद मैं बात करती हूँ ऑरेंज जो हमारा पल्प कम जूस है, तो ये लगभग लगभग दो चम्मच मैं इसमें मिला दूंगी। एक्चुअली हमें अपनी पैक ही इससे तैयार करना है, तो अगर बाद में आपको लगता है कि थोड़ी क्वांटिटी इसकी और मिलनी चाहिए, तो बाद में जब पैक बनाते समय अगर ये ड्राई लगता है पैक, तो हम ये जूस कम पल्प की क्वांटिटी थोड़ी सी और मिला देंगे। यहाँ पर ये है एप्पल पल्प, और एप्पल पल्प भी लगभग एक चम्मच मैं इस रेमेडी में मिला देती हूँ। इसके बाद आता है चिरौंजी पाउडर, चिरौंजी पाउडर भी लगभग एक चम्मच ही आपको इस रेमेडी में मिलाना है। तो लगभग लगभग एक चम्मच सारी चीज़ें आपको चाहिए, सिवाय ये ऑरेंज जो जूस है इसके, इसको आप रेमेडी बनाने के लिए यूज़ करना है बेसिकली हमें, तो जितनी ज़रूरत आपको लगेगी उतना आप इसको ले सकते हैं। वैसे दो चम्मच काफ़ी है। ये देखिए एक बहुत अच्छा पेस्ट आपका बन गया है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आप जब इसको अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो लगाते के साथ ही आपको बहुत अच्छी फीलिंग आना स्टार्ट होती है। आपके चेहरे को डीपली क्लीन करता है, स्किन को डीपली क्लीन करता है, पोर्स को डीपली क्लीन करता है। और जब आप इसको थोड़ी देर के लिए अपने चेहरे पर लगा छोड़ देते हैं, तो बहुत अच्छे टाइटनिंग इफेक्ट इसके आपकी स्किन पर आते हैं, और आपका चेहरा बिल्कुल ऐसे चमक जाता है जैसे कि आप अभी अभी कहीं से फेशियल करा कर आ रहे हैं। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है, कहीं किसी पार्टी को अटेंड करने जाना है, तो मेकअप करने के 3 से 4 घंटे पहले इस पैक को अपने चेहरे पर लगाइए, और आपका चेहरा एकदम रेडी हो जाएगा पार्टी में जाने के लिए, फंक्शन में जाने के लिए। तो ये हमारा पैक तैयार है। अब अपने चेहरे को अच्छे से धोइए। अगर 5 मिनट के लिए आप किसी गर्म कपड़े से हल्की फुल्की स्टीम अपने चेहरे को दे सकते हैं, तो वो दीजिए। और एक और टिप मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगी कि जैसे मैंने ये जो ऑरेंज का जूस निकाला हुआ था, और मैंने ये जो पल्प यहाँ पर लिया हुआ था, अगर आप ये ऑरेंज पल्प और ये एप्पल पल्प आपस में मिलाकर इससे थोड़ी देर के लिए अपने चेहरे की मसाज करते हैं, अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो आप इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन या एलोवेरा भी ऐड कर सकते हैं। उससे आप अपने चेहरे की मसाज करते हैं 5 मिनट के लिए, और फिर इसके बाद आप ये पैक अपने चेहरे पर लगाते हैं, इससे भी 5 मिनट के लिए हल्की मसाज करते हैं, और फिर लगभग आधे घंटे के लिए आपको इसको चेहरे पर छोड़ना है। इस पैक को लगाने के पहले अगर आप ये प्रोसेस अपने चेहरे पर करते हैं, तो आपको इस रेमेडी के और भी बहुत अच्छे इफेक्ट मिलेंगे, और भी ज़्यादा आपका चेहरा फ्रेश दिखेगा, एकदम ग्लो करते हुए दिखेगा, साफ दिखेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो बस अपना चेहरा हल्का साफ कीजिए और ये पैक लगाइए। बस आधे घंटे के लिए इसको लगा छोड़ दीजिए, इस बीच आप अपने बाकी के काम कर लीजिए, और बस अब आधे घंटे बाद अपना चेहरा हल्के गुनगुने पानी से या फिर ठंडे पानी से धो डालिए। आपका चेहरा बिल्कुल पार्टी रेडी हो जाएगा, और बस तैयार हो जाइए लोगों से सुंदर सुंदर कॉम्प्लीमेंट पाने के लिए। तो देखा आपने कितना आसान है एक फेशियल जैसा ग्लो घर पर ही पाना, जो कि हर किसी की ख्वाहिश होती है, हर फीमेल की ख्वाहिश होती है, हर मेल की ख्वाहिश होती है, जो कि आप घर बैठे ही पा सकते हैं, अपने चेहरे को सुंदर उतना बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आई, तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दीजिए, और इसके साथ ही इस रेमेडी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इसको यूज़ कर सके रेमेडी को, और इसका फ़ायदा ले सके। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे मैं जो आपको हेल्थ और ब्यूटी टिप देने वाली हूँ, आप उन्हें मिस ना करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई हेल्थ या ब्यूटी टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।